सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है। उसी को लेकर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने अपने कुछ शब्द कहे। वो कहते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कहते हैं कि पंजाब सरकार का खजाना खाली है और राज्य स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ने में बाधा हो रही है। बार बार मांगने पर भी ना तो केंद्र ने उसे GST बकाया अदा किया और अनुदान के नाम पर अभी तक मात्र 72 करोड़ रुपया ही उन्हें मिला है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विवादित होते हुए कहा कि केंद्र ने कम से कम 4000 करोड़ रुपया पंजाब को दिया है, लेकिन विवाद में ना पड़ते हुए हम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बयान पर ध्यान देते हैं कि अप्रैल में पंजाब को 88% राजस्व घाटा हुआ, विभिन्न टैक्स राजस्व से कोई आय नहीं हुई, कुल औद्योगिक इकाइयों का केवल 1.5% हिस्सा कार्यशील रहा और पंजाब की वित्तीय मुश्किलें बढ़ गई। पंजाब सरकार को गेहूं की आमद ने बचाया। 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से सरकारी बयान के मुताबिक 100 लाख मीट्रिक टन मंडी से उठा लिया है, लेकिन CM ने स्पष्ट कहा है कि अप्रैल में 3,360 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र होने की उम्मीद थी, केवल 396 करोड़ रुपए की आय हुई। बिजली का उपभोग 30% घटा, जिससे 30 करोड़ रोजमर्रा का घाटा हुआ। इसी घाटे को पूरा करने के लिए अब आबकारी की नई नीति की घोषणा हो गई है और सरकारी हुक्म से शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं। चाहे शराब सिंडिकेट इससे खुश नहीं, लेकिन सरकार इस नीति से राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही है। जहां तक GST की अदायगी का ताल्लुक है, केंद्र की ओर पंजाब का 4,365.37 करोड़ रुपया निकलता है, जिसकी अदायगी नहीं हुई। अब सरकार ने अपने राजस्व नेत टटोले हैं। आर्थिकता को पटरी पर लाने के लिए 7 से 6 बजे तक जरूरी दुकानों भी रेड जोन छोड़कर खोल दी हैं और शराब के दामों पर कोरोना टैक्स के रूप में वृद्धि कर दी गई है। इसके साथ सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में क्रमशः 2 और 2.10 रुपए का अपना चार्ज लगा दिया है। यह केंद्र की बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी से अलग है। अपने इस नीतों को सही करने के लिए पंजाब सरकार जमीनों की रजिस्ट्रियां खोल रही है और साथ सड़क परिवहन, बस, टैक्सी, ट्रक और ऑटो चलाने पर भी अपनी सैद्धांतिक सहमति बना रही है। पंजाब भर में टोल प्लाजा खोल दिए हैं, लेकिन अब तक कारोबार सामान्य गति से चलना शुरू नहीं होता। अब तक सरकार को उससे उचित आय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह सब्र करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि शराब माफिया और अन्य असामाजिक तत्वों ने अपने नंबर 2 के धंधे में इस पूर्णबंदी के दिनों में खूब हाथ रंगने शुरू कर दिए थे। जो राजस्व सरकार को जाना चाहिए था, वह निजी महाप्रभुओं को जा रहा था। सरकार के लिए जरूरी हो गया कि केवल केंद्र की उपेक्षा का रोना ही ना रोया जाए, बल्कि अपने राजकीय स्नेहों को भी बढ़ाने की पूरी चेष्टा की जाए। इसमें केंद्र की दखलंदाजी नहीं होगी। सही है कि अप्रैल के महीने में ना केवल सरकारी राजस्व घटा, बल्कि राज्य की आर्थिकता को भी नुकसान हुआ, लेकिन अगर अब राज्य की आर्थिकता सामाजिक अलगाव और आवश्यक बंदिशों की समझदारी बनाकर रखते हुए शुरू हो जाती तो पंजाब का हाल उतना बेहाल नहीं होगा। इसकी भविष्यवाणी चंद कर विशारद करने लगे थे। पेट्रोल डीजल की कीमत वृद्धि, महंगी शराब और टोल प्लाजा की पूर्ण शुरुआत सरकारी खजाने को बढ़ने का वादा करती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सभी कमियों और त्रुटियों को सहन करते हुए उद्यमी, व्यवसायी और आम आदमी इसे कैसे निभा ले जाते हैं। शीतल विज।